मैं इसको फुल जो है वो ताकत लगा के खींच रहा हूँ, बट ये नहीं निकल रहा। तो ये बहुत स्ट्रांगली स्पॉट वेल्ड हो चुका है। अच्छा दोस्तों, हमारा जो जो मेन कंपोनेंट है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का, वो है ये बैटरी 12 वोल्ट की, जिससे हमें अपना स्पॉट वेल्डर बनाना है। ये 12 वोल्ट 12 एम्पेयर आवर की बैटरी है, ड्राई बैटरी है, और ये इनफ है इतना करंट प्रोवाइड करने के लिए कि हमारी स्पॉट वेल्डिंग हो सकती है। अच्छा दोस्तों, प्रोसीजर कुछ यूँ होगा कि हमें इस नेगेटिव और पॉजिटिव को आपस में शॉर्ट करना होगा, जिसकी वजह से स्पॉट वेल्डिंग होगी। अब इसको डायरेक्टली हम इस तरीके से शॉर्ट नहीं कर सकते, ये बहुत अनसेफ है। तो इसको सेफ बनाने के लिए हम यहाँ पे ये एक टाइमर सर्किट का हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इस टाइमर सर्किट में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब इसमें बिल्ट इन प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप सेटिंग कर सकते हैं, इसकी टाइमिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए हम जो है वो इसको एक स्विच के ज़रिए ऑपरेट करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये ऑन होगा, स्पॉट वेल्ड करेगा और फिर ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो ये सर्किट की भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद हमें ये एक 12 वोल्ट का ये रिले चाहिए। ये जो मोटरसाइकिल के जो सेल्फ वाली मोटरसाइकिल्स होती हैं ये उनमें लगता है, तो ये मुझे लोकल मार्केट से आसानी से मिल गया 450 रुपये का। तो ये हमें यूज़ करना है। ये जो है वो इसके रिले के कॉन्टैक्ट्स हैं, और ये जो है वो इसके पॉजिटिव नेगेटिव है। जब हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव देंगे तो यहाँ से ये रिले ऑपरेट होगा। अच्छा, अब ये रिले हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि ये वाला जो छोटा रिले है आप देख सकते हैं, ये इनफ पावर नहीं है इसमें कि ये इसके करंट को जो जो स्पॉट वेल्डर का करंट होगा वो उसको हैंडल कर सके। तो ये इस रिले को कंपनसेट करने के लिए हम ये रिले इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद इस सर्किट को पावर देने के लिए मैं यहाँ पे ये 9 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल करूँगा। तो ये हमारे बेसिक जो है वो कंपोनेंट्स हैं जिसके ज़रिए जो हम अपनी असेंबली स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये तकरीबन 7 mm स्क्वायर की एक कॉपर केबल है, तो ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसके मैंने आगे इस तरीके से कनेक्टर भी जो है वो सोल्डर कर दिए हैं, जो इस तरीके से बैटरी से हमें कनेक्ट करना होगा इसको। तो एक तरफ जो है वो इसके कनेक्टर है, और दूसरी तरफ जो है वो मैंने इसको, ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से मैंने इस तार को छील के ये एक 10 गेज का जो है वो कॉपर इनेमल कॉपर वाला था, इसके कैमर इनेमल उतार के मैंने और इसमें जो है वो इसको इंसर्ट करके और फिर सोल्डर कर दिया। तो ये हमारा एक स्पॉट वेल्डिंग का पॉइंट बन गया बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हमें ऐसे दो तार इस्तेमाल करने, एक जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से आएगा और दूसरा जो है बैटरी के नेगेटिव से आएगा। तो पॉजिटिव के लिए मैंने लाल मार्किंग कर ली है इसमें। तो अभी मैं इसकी वायरिंग भी आपको कम्प्लीट समझाता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब ज़रा इस टाइमर सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो है वो 4 इस तरीके के बटन आते हैं सेटिंग के लिए। इसके अलावा ये जो कनेक्शन हैं ये इनको मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो है वो इसको ऑन करने के कनेक्शन है। यहाँ पे जो है वो इसकी पॉजिटिव सप्लाई आएगी बैटरी की 6 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक। मैं 9 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल करूँगा तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर आएगा और ये इसका नेगेटिव आएगा ग्राउंड। अच्छा, तीसरा जो बटन है वो ट्रिगर का है, यानी कि जहाँ स्विच हमारा लगेगा ये ट्रिगर का बटन है, और चौथा ट्रिगर का ग्राउंड है। तो मैंने ट्रिगर के ग्राउंड को यहाँ पे इसके मेन ग्राउंड से जो है वो यहाँ पे मैंने सोल्डर कर दिया है। इसके अलावा ये जो है ये रिले के पॉइंट्स हैं, इसमें जो है वो एक जो है वो सेंटर वाला कॉमन है एज़ यूजुअल, एक जो है वो नॉर्मली ओपन है और एक नॉर्मली क्लोज है। तो कॉमन में हम लोग जो है वो बैटरी का पॉजिटिव देंगे, और जो नॉर्मली ओपन होगा उसमें हम जो है वो हमारा जो ये रिले है इसका जो एक पॉइंट हम जो है वो नॉर्मली ओपन में देंगे। तो इसको अभी मैं ऑन करता हूँ, इसका प्रोग्राम आप लोगों को समझाता हूँ हमें प्रोग्राम कैसे सेट करना है। अच्छा दोस्तों, इसको मैंने एक लकड़ी के बोर्ड पे ये स्क्रूज़ की मदद से लगा दिया, अच्छी तरह फिक्स हो गया ये। और ये 9 वोल्ट बैटरी का जो होल्डर है ये जो मैंने यहाँ पे ग्लू गन की मदद से लगा दिया है, और इसका पॉजिटिव जो है ये पहले वाले इसके पॉजिटिव में डाल दिया सर्किट के, और ये सेकंड वाला जो है ये सर्किट के नेगेटिव में मैंने लगा दिया है। अब जो है वो मैं बैटरी इसमें लगा देता हूँ तो ये सर्किट हमारा ऑन हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं सर्किट हमारा ऑन हो चुका है। अब ज़रा मैं सर्किट के बारे में आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हमें प्रोग्राम्स में जाने के लिए ये जो सेट का बटन है सेकेंड वाला, इसको हमें प्रेस करके रखना है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम 1.1 आ गया। तो यहाँ से अप डाउन करके हम प्रोग्राम्स को चेंज कर सकते हैं। ये 1.2, 1.3,
टू, प्रोग्राम टू, प्रोग्राम 3.1, 3.2, प्रोग्राम 4 और ये फिर दोबारा प्रोग्राम 1.1 पे आ गया। तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बट हमें स्पॉट वेल्डिंग के लिए जो हमें प्रोग्राम चाहिए हम प्रोग्राम 1.1 से ही स्टार्ट लेंगे। तो अब मैं सेट का बटन दबाऊंगा तो हम इस प्रोग्राम में दाखिल हो जाएंगे। अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें जो हमारा स्पॉट वेल्डर होगा वो सिर्फ सेकंड के 10वें हिस्से तक जो है वो ऑन हो, यानी कि 0.1 सेकंड तक हमें इसको ऑन रखना है, फिर वो ऑफ़ हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0.1 मैंने इसको ऑलरेडी सेट किया हुआ है। अब आपको कैसे सेट करना है मैं बता देता हूँ। अप डाउन से जो है वो हम नंबर बढ़ा या कम कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अप कर रहा हूँ तो नंबर बढ़ रहे हैं और यहाँ से डाउन कर रहा हूँ तो ये नंबर कम हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पे 1 पे रखना है और फिर ये डेसिमल पॉइंट जो है ये 1 से पहले आना चाहिए, इसका मतलब है 0.1 है। अच्छा, अब ज़रा मैं इसकी सेटिंग बता दूँ डेसिमल पॉइंट की कैसे होनी है। अभी तो ये मैंने सेट ऑलरेडी किया हुआ है, डेसिमल पॉइंट जो है वो स्टॉप के बटन से चेंज होगा। अगर हम इस पर स्टॉप का बटन दबाएंगे तो अभी ये तीनों में जो है वो डेसिमल पॉइंट शो हो रहा है। तो हम मैं इसको दोबारा दबाऊंगा तो अब ये 1 के बाद शो हो रहा है, यानी कि ये 1 सेकंड हो गया। तो 1 सेकंड के लिए सर्किट ऑन होगा और फिर ऑफ हो जाएगा। हमें 1 सेकंड नहीं करना, हमें 0.1 सेकंड करना है, यानी सेकंड का भी 10वां हिस्सा। तो मैं इसको दोबारा प्रेस करूंगा तो ये 1 से पहले अब आ गया, यानी कि 0.1 सेकंड हो गया। तो इस पर मैं इसको सेट कर दूँगा तो ये हमारा प्रोग्राम 1.1 अब सेट हो चुका है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैंने रिले को वुड स्क्रूज़ की मदद से इंस्टॉल कर दिया है। अब ये जो इसके कॉन्टैक्ट्स हैं रिले के, इनमें जो है वो मैं ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, जो टर्मिनल है, इसको मैं यहाँ पे मैंने लग लगा दिया कॉपर का। इसकी मदद से मैं इसको यहाँ पे टाइट करूँगा। जो दूसरा इसकी केबल है, जो इसमें हमारा ये स्पॉट वेल्डिंग का पॉइंट लगा हुआ है, ये मैं यहाँ पर टाइट कर दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से इसको मैंने टाइट कर दिया नट की मदद से। अब इसकी रिले की ये जो वायरिंग है, इसको इसमें से एक तार जो है वो मैं यहाँ पे जो इसका नॉर्मली ओपन है रिले का, मैं यहाँ पे लगा दूँगा इसको। और ये जो पॉजिटिव तार जो हमारे पास आ रहा है, ये यहाँ से इस पॉजिटिव तार को मैं यहाँ पर रिले के कॉमन में लगा दूँगा। अच्छा दोस्तों, ये वायरिंग भी मैंने कर दी है रिले की। अब जो है वो जो दूसरा हमारा नेगेटिव जो तार है जो बैटरी से आएगा, उसमें से मैंने ये एक तार एक्स्ट्रा निकाल लिया है छोटा, और इसको जो है वो अब ये बड़े वाले रिले के इस पॉइंट के साथ हम यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा दोस्तों, ये मेरे पास एक ये पुश बटन है, इसी की मदद से जो है वो हमारा जो इसमें जो ट्रिगर है वो काम करेगा। तो इसमें से 2 तार मैंने निकाल लिए हैं, एक यहाँ सोल्डर कर दिया है और एक यहाँ सोल्डर कर दिया है। और ये काफ़ी लंबी लेंथ है, जो हमारे ये बड़े वाले तार हैं इसके मुताबिक मैंने एक लेंथ ले ली है। तो इसमें से एक तार जो है, कोई सा भी एक तार इसमें से मैं यहाँ जो सबसे ऊपर वाला टॉप का पॉजिटिव है इस पर लगाऊँगा, और दूसरा वाला जो तार है ये थर्ड वन जो है वो थर्ड वन ट्रिगर का है, तीसरा नंबर वाला ट्रिगर का है, तो ये दूसरा तार मैं थर्ड वन में लगाऊँगा। तो दोस्तों, ये ट्रिगर यानी स्विच की जो वायरिंग है ये भी हो गई है। तो हमारी यहाँ पे तमाम वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, जस्ट अब हमें केबल मैनेजमेंट करनी है। तो इसको जो है वो स्विच को मैं यहाँ इसके साथ केबल टाई कर लूँगा और फिर इसको मैं ये ऑल द वे जो है वो इसको टेप कर दूँगा। यहाँ से हमें आसानी रहेगी पुश बटन दबाने में। तो अब मैं इसकी केबल मैनेजमेंट कर लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, इसकी अच्छे तरीके से केबल मैनेजमेंट मैंने कर दी है, और बाकी ये जो स्विच जो था हमारा, इसके जो तार आ रहा था, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से टेपिंग कर दी और यहाँ पे मैंने इसको केबल टाई की मदद से लगा दी है। अभी जो खुले टर्मिनल है, यहाँ पर मैं ये हीट श्रिंक लगा देता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब जो है वो हम इसको ऑन करते हैं, टेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर ये बैटरी आ गई हमारी, और ये पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ ही लगाना है हमें, और ये नेगेटिव जो है वो नेगेटिव के साथ लगाना है। तो ये बैटरी लग गई। अच्छा, जब तक ये सर्किट ऑन नहीं होगा ये वर्क नहीं करेगा। ये आप देख सकते हैं इसमें कोई वर्किंग नहीं है। तो अब मैं जो है वो ये बैटरी यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये बैटरी लग गई है। तो अब जब मैं इसको ट्रिगर को दबाऊँगा तो जो है वो ये सर्किट वर्क करेगा, ये रिले ऑन होगा और ये रिले जो है वो इस बड़े वाले रिले को ऑन करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.1 सेकंड की काउंटिंग आई है। ये छोटा रिले भी जब ऑन हुआ तो इसने बड़े रिले को ऑन किया है। ये आप जो ज़्यादा आवाज़ सुन रहे हैं ये बड़े रिले की है।
अच्छा दोस्तों, अगर इसको हम इस तरीके से ऐसे टच करेंगे तो इसमें कोई हमें शॉर्ट सर्किट नहीं मिलेगा। जब तक से हम ये बटन पुश नहीं करेंगे तब तक से इसमें करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। अच्छा, अब जो है वो इसकी ज़रा टेस्टिंग कर लेते हैं। ये मेरे पास दो निकल स्ट्रिप है 0.15 mm की, तो इसको हम स्पॉट वेल्ड करेंगे, देखेंगे किस तरह का हमें ज्वाइंट मिल रहा है। तो ये मैं लकड़ी के पीस पे इसको स्पॉट वेल्ड करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से स्पॉट वेल्ड हो गया है, और इसको मैं ज़रा रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। तो ये बहुत स्ट्रांगली जो है ये जो है वो स्पॉट वेल्ड हुआ है, और मैं इसको फुल जो है वो ताकत लगा के खींच रहा हूँ बट ये नहीं निकल रहा। तो ये बहुत स्ट्रांगली स्पॉट वेल्ड हो चुका है और वेल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास 18650 लिथियम बैटरी है, तो इसको मैं जो है वो स्पॉट वेल्ड करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये 18650 सेल्स को भी जो है वो बेहतरीन तरीके से स्पॉट वेल्ड कर दिया है, ये देखें आप, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग जॉइंट है ये। मैं रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये रिमूव नहीं हो रहा, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसने जो है वो इसको स्पॉट वेल्ड किया है। तो ये था दोस्तों हमारा बैटरी स्पॉट वेल्डर प्रोजेक्ट, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इसको बनाने का मकसद ये था कि कम से कम कीमत में और आसान से आसान तरीके से हम एक ऐसा स्पॉट वेल्डर बनाएं जो कि जो महंगे जो प्रोफेशनल जो स्पॉट वेल्डर्स होते हैं उसका रिज़ल्ट हमें दे, और डेफिनेटली ये हमें वही रिज़ल्ट दे रहा है जो एक महंगे और प्रोफेशनल स्पॉट वेल्डर्स देते हैं। अब ज़रा मैं इसकी कॉस्ट की बात कर लेता हूँ। ये जो बेसिकली सर्किट है टाइमर डिले सर्किट, ये मुझे लोकल मार्केट से 500 रुपीज़ का पड़ा है। ये ऑनलाइन दराज पे भी अवेलेबल है, 700-800 रुपीज़ का आपका मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो जो रिले है बड़ा वाला, ये मोटरसाइकिल का सेल्फ स्टार्टर रिले है, ये मुझे लोकल मार्केट से 450 रुपये का मिल गया है। तो इसके अलावा ये बाकी कॉपर केबल्स वगैरह हैं, 7 mm² की केबल है, और ये बैटरी है। अगर मैं ओवरऑल सबकी कॉस्ट लगाऊं मिला के तो तकरीबन ये मुझे 1300 रुपये के करीब जो है वो ये पूरा सेटअप पड़ गया है। बैटरी की कॉस्ट मैं इस वजह से नहीं लगाऊंगा क्योंकि बैटरी जो है वो रिमूवेबल है, मैं इसको दूसरी एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस अगर मैं स्पॉट वेल्डर की बात करूँ जो फुली ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रहा है, तो ये जो है मुझे 1300 रुपये के करीब पड़ा है, और इसकी वर्किंग जो है वो आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इस तरह की हाउ टू DIY इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।